माला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है। ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग। काका, ओ काका, कैसे हो काका? सब ठीक ठाक? नहीं बाबू, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन इसका तबीयत बहुत ही दिन से खराब है। एक महीना से बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, और तो और कमजोर भी हो गया है। तो आप लोग कोई डॉक्टर से दिखलाया कि नहीं? अरे गांव के कंपाउंडर से दिखवाया था, दवा दिया पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे काका, कोई शहर का बड़ा डॉक्टर से दिखलाए कि नहीं? इतना लापरवाही ठीक बात नहीं है। कहाँ से दिखाऊं, यहाँ तो खाने के भी पैसे नहीं है। कर्जा लेकर के ओझा से दिखवाया था, दो मुर्गी और एक बकरा दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं बचा है। काका चिंता मत करो काका, शहर में एक बड़े डॉक्टर है, हमारा जान पहचान का है और बहुत ही भला आदमी है। चलो उसके पास चलते हैं, उसके इलाज करवाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बीमार को लेकर के हम इतनी दूर शहर जाएंगे कैसे? अरे काकी तुम चिंता काहे करती है, हमारा एक दोस्त है, उसके पास गाड़ी है, अभी लेके आता ही होगा, हम लोग उसी में सब चलेंगे। जाओ बाबू को लेके आओ। अच्छा सुनो ना, ये प्रकाश का जो एक्सरे रिपोर्ट आना था आ गया, हो जाकर देखो ना। प्रणाम डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है रामाधीन? बहुत दिन बाद। वो क्या है ना कि गांव में ही जाकर के खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए बैठिए। हाँ बताओ कैसे आना हुआ? सर ये बच्चा है, काफी दिनों से बीमार है साहब, और गांव के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा। अच्छा आप बेटा इधर बैठो तो। क्या हुआ है? अबे ठीक नहीं। अच्छा रुको अभी चेक कर देते हैं। पीछे मुड़ो थोड़ा, लंबा सांस लो, सांस लो, रोको, छोड़ो सांस, सीधा मुड़ो, सांस लो, रोको, छोड़ो, जीभ दिखाओ, पूरा बाहर निकालो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं दिखाए थे रामाधीन बाबू इसको? गांव का ही अस्पताल में कंपाउंडर लोग दवा दिया था। कौन सा दवा है, कुछ लाए हैं? ये दवा है मालिक। तुम लोग को मरना है, इसको टाइफाइड हो गया है और निमोनिया का दवा कितना दिन से चला रहे हो? गांव के कंपाउंडर से दिखवाया था मालिक। अभी के अभी इसको बंद करो और ये पर्ची लिखे हैं, जो दवा लो और इसको ठीक करो, मर जाएगा तुम्हारा बच्चा। सर बहुत गरीब है सर, खाने को तो पैसा नहीं है, दवा कहाँ से खरीदेगा? इसका सैंपल वाला इन लोगों को दवा दो। देखिए ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें वक्त पर लेते रहना, और ये कुछ विटामिन्स हैं, इन्हें भी साथ रख लो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सरकार ने गांव से लेकर शहर तक सुविधाएं दे रखी हैं, तो आप लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? कैसी सुविधा मैडम? तुम्हें पता नहीं कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक के इलाज को मुफ्त करा रखा है, ये जानकारी तुम्हें किसी ने नहीं दी? पता ही नहीं था। अरे रामाधीन बाबू जाइए पंचायत में, आराम से बन जाएगा, ये गरीब लोग हैं, इनका बनवा दीजिए। सर आज ही इसका फॉर्म भरवा देता हूँ। ठीक है जाइए। धन्यवाद, प्रणाम। अरे भाई वोट का महापर्व आने वाला है। तुम तो इतने खुश हो रहे हो, लगता है कोई लॉटरी लग गया हो। लॉटरी की खुश होने की बात ही है भाई, तुम्हें पता है ना
पाँच साल के बाद हमें वोट देने का मौका मिलता है और इस बार तो एकदम सुनिश्चित और मजबूत सरकार चुनेंगे। तुम्हारे एक वोट से क्या ही होने वाला है? तुम गजब बात कर रहे हो भाई। देखो तुम्हें पता है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है और तुम्हारे हर एक वोट से राष्ट्र का निर्माण होता है। मुझे ये वोट शॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दिन छुट्टी रहेगा, घर पे मस्त आराम करूंगा। अरे गजब तुम बात कर रहे हो भाई, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। माना कि मैंने एक वोट दे दिया और वो जीत भी गया, उससे क्या मुझे क्या मिलेगा? ये बात तो सही है। हाँ भाई बताइए, इससे क्या मिलेगा? देखिए अगर आप अपना वोट देते हैं तो आपको एक सुनिश्चित सरकार मिलती है, आपका सुनिश्चित भविष्य होता है, आधुनिक तकनीक से युक्त भारत, मजबूत अर्थव्यवस्था और एक मजबूत राष्ट्र मिलता है। और क्या चाहिए आपको? इसकी गारंटी तब ना जब जीतने वाला नेता बेदाग और देशभक्त हो। तुमने सही कहा, हमें ऐसे नेता को वोट देना है जिसका भूत और वर्तमान बेताग हो। तो भविष्य तो अच्छा होगा ही। बात सही है। बिल्कुल बात तो सही कहे। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने वोट की कीमत पहचानिए, क्योंकि तुम्हारे हर एक वोट से राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र मजबूत होता है। बिल्कुल ये तो बहुत सही बात कह रहे हैं। तो मैंने सोच लिया, मैं अपने वोट को बेकार नहीं जाने दूंगा और आप भी अपने वोट का प्रयोग कर राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक बने। चश्मा उतारो, चश्मा उतारो। अरे नेता हम है कि तुम है जी? अरे मालिक इधर ठीक है। मंगल किसी भी कीमत में इस बार इलेक्शन जीतना। आप निश्चिंत रहिए मालिक, अपने क्षेत्र में बहुत जोर जोर से अबरी बार कैंपेनिंग चल रहा है। अरे यार सिर्फ कैंपेनिंग से काम नहीं चलेगा ना, जनता समझदार हो गई है, कुछ करो नहीं तो नैया डूब जाएगी हमारी। अरे कैसी बातें करते हैं हुजूर, दारू और नोट से पूरा गांव को नहला दिए हैं, हर तरफ का छोटा छोटा खबर हम लोग तक आ रहा है। शाबाश, तुम पर विश्वास है हमें। सुनो जोश में कहीं अपना होश मत खो देना, आंखें खुली रखना, मक्कारों की कोई कमी नहीं। मालिक जान दे देंगे पर आंच नहीं आने देंगे। जान दे देंगे? अरे बेवकूफ, तुम्हारी जान की कीमत क्या? मुझे सिर्फ वोट चाहिए, चाहे इसके लिए किसी की गर्दन क्यों नहीं काटनी पड़े। समझ गया मालिक। मालिक छोटी मुंह बड़ी बात, चुनाव उनाव का माहौल चल रहा है तो जनता के बीच में जाएंगे तभी तो कुछ होगा, जनता का सूट तो लेना ना पड़ेगा मालिक। सही बोल रहा है। बहुत अच्छी बात कही है तुम, हम आज ही अपने क्षेत्र में जाकर जनता से मिलते हैं। मंगल जी मालिक, जाने की तैयारी करो, गाड़ी निकालो, चलो। चलिए मालिक। कैसे हो बेटा? अरे चल, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। हाँ मास्टर साहब, और ये सब आपके सहयोग से हुआ? अरे कैसी बात करते हो काका, इंसान की मदद करना ये तो मनुष्य का सबसे बड़ा मानव धर्म है। वही तो, आपने मेरी बेटी की नई जिंदगी दी है और इसके लिए तो हम जीवन भर एहसानमंद ही रहेंगे। कैसी बात करते हो काकी, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और हाँ एक बड़ी बात, आपका आयुष्मान कार्ड बन गया है, अब आप इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। और इसे संभाल के रखिएगा काका। और यही नहीं, जिनका भी आयु 18 वर्ष हो चुका है वो अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करना अति आवश्यक है। आप तो हमारे भगवान। अरे काका कैसी बात करते हो काका, मैं तो आपका बच्चा हूँ काका, बस हमको आशीर्वाद दीजिए। एकदम बना रहे हैं हमेशा। ठीक है काका चलते हैं, और भी गाँव वाले लोग के पास जाना है। जय सिया। भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों के बाद अपना घर लौटा हूँ, अपनों के बीच में हूँ। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भानु भैया कैसा हो, भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम की व्यस्तता के कारण मैं आप लोग से दूर रहता हूँ, पर हमारी आत्मा, हमारा दिल हमेशा आपके साथ में रहता है। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार मुझे मौका दे, मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो गांव की काया पलट कर दूंगा। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव की सौंदर्यता के लिए तालाब से लेकर पोखरे तक फव्वारे लगवा दूंगा। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भानु भैया कैसा हो, भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव की गलियों में गलियों को तोड़ करके 4 लेन सड़कें में बनवा दूंगा। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गली को 4 लेन बनाइएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, आसमान में? अरे नहीं मेरे भाई, मैं इसके लिए तो पहले ही से प्लान बना चुका हूँ। गांव के हर परिवार को 5 कमरे का पक्का मकान दूंगा। विधायक जी, पहले गली का तो पक्का कर दीजिए, हम लोग को तो झोपड़ी में रहने का आदी है। अगर मेरी बात झूठ निकली ना तो मैं अपना मूंछ और सर के बाल छटवा दूंगा। पिछले वाले इलेक्शन में आप कुछ ऐसा ही बोले थे, काम हो जाएगा तो मेरा मोच और बाल, लेकिन जब आपका तो मोच बाल जस का तस है। पता करो कि ये हराम खोर कौन। बोलिए ना मालिक, अब ये उठा ले क्या? नहीं पागल हो गए हो, अभी इलेक्शन है, अभी तो हाथ जोड़ के प्रणाम करो, प्रार्थना करो। मुझ पर ख्याल रखो मेरे दोस्त, मगर मैं तुम पर ख्याल रखूंगा। भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भानु भैया कैसा हो, भानु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अमर बेटा चल गया, अमर इकलौता बेटा रे। क्या हुआ बहन, बहन क्या हुआ, क्या हुआ बहन, क्या हुआ? कहाँ बताए भैया, अमर बेटा कल रात खेत से काम करके आ रहा था और रास्ता में बिजली का तार टूट के गिरा हुआ था। हिम्मत रखो बहन, हिम्मत रखो बहन, करंट लग गया मेरा बच्चा को। हिम्मत रखो बहन, हिम्मत रखो, अब होनी को कौन टाल सकता है बहन, कैसे जिएगे रे। अब इसका नसीब में यही लिखा हुआ था बहन, इसका नसीब में इतने ही दिन भगवान लिखे थे बहन। कैसे जिंदा रहेगी रे बहन, चिंता मत करो बहन, चिंता मत करो, अब इसका नसीब में इतने ही दिन लिखा हुआ तो क्या करे बहन, इतने दिन काम रे बच्चा था बहन, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे। अरे हमारा सहारा भगवान छीन लिए रे, भगवान का सब भला करेंगे बहन, चिंता मत करो, अब इसका दाह संस्कार। भैया हमारे पास एक को धेला पैसा नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे क्या करें बहन, चिंता मत करो बहन। अरे हमारा बच्चा, ए बहन, ए बहन चिंता मत करो, कुछ पैसे रख लो बहन, ए बहन कुछ पैसे रख लो बहन, बहन रो मत बहन, ये कुछ पैसे रख लो बहन, कुछ पैसे रख लो, चिंता मत करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना बहन तो हमको जरूर खबर करना। अरे बहन अब क्या करे बहन, इसका नसीब में इतने दिन लिखा हुआ बहन, अब कुछ पैसा का इंतजाम करके आते बहन, इसका अंतिम संस्कार भी तो करना होगा ना बहन, चिंता मत करो बहन। हम कैसे जिएंगे रे भगवान, हे भगवान हम कैसे जिएंगे।
मालिक। और कुत्ते की तरह क्या हाफ रहा, क्या बात है मालिक? बहुत बुरी खबर लाए हैं मालिक। गांव वाला एकजुट होकर आपके खिलाफ एक और नेता खड़ा कर दिया। क्या बकते हो, कौन है वो? अरे वो रामाधीन मास्टर। रामाधीन? हाँ मालिक। उसकी ये मजाल, ये वो मेरे खिलाफ इलेक्शन में उठे। कुछ करना होगा मालिक। मंगल मालिक, उस हरामजादे को खसीट कर लाओ यार। इतना मारो ना उसे कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करे। निश्चिंत रहिए, जाओ जल्दी। चल क्यों? जिंदा रहना चाहता है ना, ये राजनीति का चक्कर छोड़, मास्टरी कर रहे मास्टरी। ध्यान से हमारी बात सुन। आज के बाद से अगर ये राजनीति का चक्कर में रहना तो यहीं जिंदा गाड़ूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाक, बाक। क्या हुआ रामजीत काका? लगता है विधायक के आदमी ने आपको मारा है। कीड़े पर उन लोगों को कीड़े। चलिए। भानु प्रताप जी, यहां हस्ताक्षर कीजिए। बधाई कलेक्टर साहब, अभी बधाई भर दीजिए। जीत कर जब आऊंगा ना तब आप बधाई दीजिएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। औकात में रहकर
यहाँ पे साइन कीजिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। पांचवें दौर की गणना में भानु प्रताप सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी रामाधीन से 5000 मतों से आगे चल रहे हैं। और ताजा खबर, अंतिम दौर में भानु प्रताप सिंह को पछाड़कर रामाधीन 20000 मतों से विजयी हुए। मालिक ढाले का उठा ले रे, मतलब के लक्षण के चलते हम हार रहे हैं यार। आज के बाद से कोई हमारे साथ नहीं रहेगा। हम एक शरीफ आदमी थे, अपने बलबूते पर जनता के बीच हमारा इंप्रेशन था, लेकिन इन कमीनों के चलते हम चुनाव हारे हैं। सगल मत दिखाना, भाग। आज हमारा खुला है और जीता जाता है जनता की सेवा करके। तुम लुच्चोलों के साथ में रहकर कुछ काम नहीं होने वाला। आज के बाद मैं अगले इलेक्शन के लिए जनता के बीच जाऊंगा, हाथ जोड़ कर उनकी सेवा करूंगा। माफ कर दो मेरी जनता, माफ कर दो बाबा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। चुनाव के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हर एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान जरूर करें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जहाँ कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है, ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य रंग है।